कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत अवैध दुकानें गिराई गई। सूत्रानुसार कानपुर में कई जगह पर लोगों द्वारा सरकार की बिना इजाजत अवैध दुकानों के रूप में कब्जे हैं। आज इसी प्रकार से नगर निगम की अगुवाई के चलते यह भी अवैध दुकानों का निरीक्षण करा गया। अब उन्हें हटाने का अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत कई जगहों के अवैध कब्जे ढाए गए। नगर निगम के इस अभियान का लोगों द्वारा जमकर विरोध करा गया। लोगों के अनुसार ये दुकानें और स्थान उनके अधिकृत हैं। इस जगह का लोगों द्वारा 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। इन सब के बावजूद उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं। एक तरफा आम लोगों पर महंगाई की मार बर्दाश्त से बाहर है और इधर उनसे उनकी जमीन और उनकी दुकानें छीनी जा रही हैं। उनके अनुसार सरकार का ये कदम बिल्कुल गलत है। उधर नगर निगम अधिकारी से बात करने पर पता चला कि ये सब बेवजह की बातें हैं। यह हर साल अधिकारी बदलने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। यदि कोई कार्रवाई होती भी है तो उसे अधिकारी के जाने के पश्चात पुनः वो जगह इन लोगों द्वारा अधिकृत कर ली जाती है। जो उनसे लिया जा रहा है एक दिन का इंटर चार्ज होता है और एक दिन के लिए लिया जाता है, तो पुनः जब लगा लेते हैं पुनः हमको वसूल करना चाहिए। परंतु ये आदेश है कि हमारे नाले के पूरा खाली चाहिए हमको, और मैं इंटर चार्ज लेकर के भी इनको हटवाऊंगा। अब इन सारी बातों को सुनकर यही कहा जा सकता है कि यदि लोगों की बात सत्य है तो उनसे लिया गया पैसा क्यों और किस रूप में लिया गया, और अगर लिया भी गया है तो उसे अधिकृत रूप क्यों नहीं प्राप्त हुआ। कानपुर से कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश।